आंवला वन चौकी क्षेत्र के अंतर्गत मिला सुअर और टाइगर का शव। जनपद लखीमपुर खीरी दक्षिण खीरी वन प्रभाग की मोहम्मदी वन रेंज वन चौकी आंवला क्षेत्र के अंतर्गत डोकरपुर गांव के पश्चिम मकसूदाबाद और स्वामी दयालपुर गांव के बगल में पिरई नरवा नाला के बगल में विनोद वर्मा पुत्र तुलाराम वर्मा निवासी डोकरपुर के खेत में मिला सुअर और टाइगर का शव मिला। मामले की जानकारी होते मौके पर पहुंचे डीएफओ समीर कुमार, मोहम्मदी रेंजर मोबीन, आरएफ डिप्टी रेंजर राम नरेश वर्मा, सीओ मितौली शुतांशु कुमार, एसएचओ मितौली अनिल कुमार सैनी, एसआई जेपी यादव, एसआई सुरेंद्र कुमार सिंह ने फोर्स के साथ पहुंच गए। मौके पर पहुंचने से जानकारी हुई 11,000 लाइन के खंभे से लगभग 300 मीटर दूर तक पतला महीन तार डाला गया था। शिकार खेलने के लिए लगाया गया था कर्ट, जिसकी चपेट में सुअर और टाइगर आ गया और कर्ट लगने से सुअर और टाइगर की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने पंचनामा भरकर सुअर और टाइगर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पहले भी जिले में मारे जा चुके हैं कई टाइगर, पर नहीं रुक रहा अवैध शिकार। देखिए हमारे संवाददाता बलराम राही की यह वीडियो रिपोर्ट। व्हाइट डीएफओ लखीमपुर। सर, आप ये जो मामला हुआ है बाघ वाला, इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं आप? आप लोग देख ही रहे हैं यहाँ पे, मतलब बाघ का जो शव यहाँ पर प्राप्त हुआ है जी, लग रहा है कि इलेक्ट्रोक्यूशन का मामला है प्रथम दृष्टि। इसके अनुरूप हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। अच्छा सर, सभी लोग आ रहे हैं, कमेटी आ रही है और सबको पोस्टमार्टम मिले। सर, डॉक्टर आए अभी या कुछ बताया है किस वजह से ये खत्म हुआ है? देखिए अभी पोस्टमार्टम तो हुआ नहीं है चूँकि, लेकिन प्रथम दृष्टया जो मौके पे देख के लग रहा है कि इलेक्ट्रोक्यूशन हुआ है इसका, लेकिन उसके बाद पोस्टमार्टम जब होगा तो पूरी रिपोर्ट आएगी। ऐसा सर, यहाँ पे ये तार जो पड़ा हुआ है इसी से लोगों का कहना है कि करंट से मरा है? हाँ बिल्कुल, इसी से ऐसा लग रहा है। अच्छा सर, आज के समाचार में इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले समाचार के साथ। देखते रहिए BS Live News।